Welcome back, my dear kids. How are you? I am hope you are fine. Today we are going to start another chapter of our science book by Brain Root series. The name of our book is Science Spark Class 2. Our chapter number 6 hum start karenge. Hamare chapter ka naam hai Our Body, Hamara Sharir. To chaliye chapter start karte hain. In this chapter you will learn about bones, muscles, taking care of bones and muscles and correct posture. तो चलिए start करते हैं. Before we start, we have to do warm-up exercise. Look at these picture below. Each one, write which part of the body each child is using. यहाँ पे pictures बनी हुई हैं. आपको picture को ध्यान से देखना है और ये बताना है कि बच्चे जो काम कर रहे हैं उसमें किस बॉडी पार्ट का यूज़ कर रहे हैं. तो वार्म अप एक्सरसाइज आप लोग खुद करेंगे. यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. हैव यू एवर फिल्ड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी विद योर फिंगर्स? सम पार्ट्स आर सॉफ्ट व्हाइल अदर्स आर हार्ड. द सॉफ्ट पार्ट्स आर द मसल्स एंड द हार्ड पार्ट्स आर बोन्स. The bones give shape and support to our body. आपने कभी कभी अपनी फिंगर से अपने बॉडी पार्ट को टच किया होगा. कुछ बॉडी पार्ट बहुत सॉफ्ट होते हैं और कुछ बहुत हार्ड होते हैं. जो बॉडी पार्ट सॉफ्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मसल्स. और जो बॉडी पार्ट हार्ड होते हैं उन्हें हम बोन्स कहते हैं. बोन्स मतलब हड्डियाँ. बोन्स क्या करती हैं? हमारे शरीर को शेप देती हैं और सपोर्ट करती हैं. तो चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम बोन्स के बारे में. अ ह्यूमन बॉडी हैज़ 206 बोन्स. ऑल द बोन्स इन द बॉडी जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द स्केलेटन. द स्केलेटन गिव सपोर्ट एंड शेप टू आर बॉडी. एक मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं. और सब बोन्स क्या करती हैं? मिलकर स्केलेटन बनाती हैं. मतलब कंकाल शरीर का हड्डियों से जो बना होता है. स्केलेटन क्या करता है? हमारी बॉडी को सपोर्ट और शेप देता है. विदाउट अ स्केलेटन वी विल नॉट एबल टू स्टैंड एंड वॉक. द स्कल कवर्स एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन विच इज सॉफ्ट. रिब्स प्रोटेक्ट आर हार्ट एंड लंग्स. Keep a book on the floor. Now try to pick it up without bending your knees or back. Can you do it? बिना skeleton के हम ना तो खड़े हो सकते हैं और ना चल सकते हैं. Skull, skull क्या होता है? जिसे हम खोपड़ी कहते हैं. ये हमारे brain, दिमाग को cover करती है. और ribs, ribs क्या करती हैं? हमारे heart को, मतलब हमारे दिल और हमारे लंग्स को सुरक्षित रखती हैं. कभी आप सोचिए कि फ्लोर पे बुक गिरी है, क्या आप अपने घुटने को मोड़े बिना उसे उठा पाएंगे? बताइए नहीं. बुक को ज़मीन से उठाने के लिए आपको अपने नीज को, घुटने को बैंड करना ही पड़ेगा. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द लेग हैज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, वेयर आज द ईयर हैज़ द शॉर्टेस्ट. सबसे बड़ी हड्डी शरीर की कहाँ होती है? हमारे पैरों में. और सबसे छोटी कहाँ होती है? ईयर. ईयर मतलब कान की हड्डी सबसे छोटी होती है. वी हैव टू बेंड आर बॉडी टू डू मैनी एक्टिविटीज. द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड जॉइंट. जॉइंट आर द ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर वी कैन बेंड. देयर आर 230 जॉइंट इन आर बॉडी. हम बिना झुके अपनी बॉडी को बेंड किए बिना कोई काम नहीं कर सकते. बॉडी को बेंड करके हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं. हमारे शरीर में जहाँ पर दो हड्डियाँ मिलती हैं उसे हम जॉइंट कहते हैं. और हमारे शरीर में टोटल कितने जॉइंट्स होते हैं? 230 जॉइंट्स होते हैं. और देखिए बच्चों, ये क्या है? ये स्केलेटन की पिक्चर है. और ये क्या होता है? स्कल. और ये क्या होते हैं? हमारे रिब्स, जो हमारे हार्ट और हमारे लंग्स को कवर करते हैं और हम कह सकते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं.
देखिए जॉइंट, जहाँ पे ये कोहनी का जो जॉइंट है इसे हम एल्बो जॉइंट कहते हैं, और ये क्या होता है, ये हमारा रिस्ट जॉइंट, देन नेक जॉइंट, और ये है हमारा नी जॉइंट, जहाँ से हम इजिली नी को बेंड करते हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट मसल्स। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स इन द बॉडी। मसल्स हम कहते हैं मांसपेशियों को, और ये किससे अटैच होती हैं, ये हड्डियों से अटैच होती हैं हमारे शरीर में। देयर आर अबाउट 640 मसल्स इन आर बॉडी। हमारी बॉडी में 600 मतलब 640 मांसपेशियाँ होती हैं। सम ऑफ देम कीप ऑन वर्किंग ऑल द टाइम। कुछ मांसपेशियाँ लगातार काम करती रहती हैं। कैन यू नेम देम, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? येस, द मसल्स ऑफ आर हार्ट, हमारे दिल की मांसपेशियाँ, लंग्स और स्टमक की क्या करती हैं, हमेशा काम करती हैं, इवन जब हम सोते हैं तब भी वो काम करती रहती हैं। द बोन्स एंड मसल्स टुगेदर हेल्प अस टू मूव, वॉक, रन एंड स्विम। मसल्स और बोन्स एक साथ किस लिए हमारी मदद करती हैं या किस काम में मदद करती हैं? चलने में, खेलने में, तैरने में और भागने में मदद करती हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द मोर वी यूज आर मसल्स द स्ट्रॉन्गर दे बिकेम। जितना ज़्यादा हम अपनी मांसपेशियों को यूज़ करेंगे वो उतना मजबूत बनेंगी। इफ़ वी डू नॉट यूज़ आर मसल्स वी विल बिकेम फैट एंड लेजी। अगर हम अपनी मसल्स का यूज़ नहीं करेंगे तो हम आलसी और क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। वेलकम बैक माई डियर किड विद अनदर चैप्टर ऑफ आर साइंस बुक बाय ब्रेन रूट सीरीज। द नेम ऑफ आवर बुक इज साइंस स्पार्क क्लास 2, और आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है द फूड आई ईट। आज हम उस खाने के बारे में पढ़ेंगे जो हम खाते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, अलग अलग तरह के खाने के बारे में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर फर्स्ट वी हैव टू डू वार्म अप एक्सरसाइज। Write the names of these food in the space given below. यहाँ पे कुछ खाने की चीज़ें बनी हुई हैं, आपको क्या करना है, उनके नाम लिखने हैं कि वो क्या है। तो बच्चों वार्म अप एक्सरसाइज आप खुद करेंगे, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो, इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, इट कीप are strong and healthy. We get food from both plant and animal. हम खाना खाते हैं किस लिए? जीने के लिए और बढ़ने के लिए। खाने से क्या मिलता है? खाने से हमें एनर्जी मिलती है, और उससे हम क्या करते हैं, जब हमें एनर्जी मिलेगी तो हम अपना सारा काम भी करेंगे, खेलेंगे भी। अगर आपकी मम्मा आपको 2 डेज खाना ना दें तो क्या होगा, आपके में एनर्जी नहीं होगी। सबसे पहली बात तो हम 2 डेज भूखा रह ही नहीं पाएंगे, हमें ऐसा लगेगा हमारी बॉडी में जान ही नहीं है। और फूड क्या करता है, हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखता है। हमें फूड कहाँ से मिलता है? हमें फूड प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। वी गेट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, हमें बहुत तरह अलग अलग तरह का खाना मिलता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हेल्प अस इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरह का खाना अलग अलग तरह से हमारी हेल्प करता है। द फूड डेट वी ईट कैन बी पुट इन टू 3 मेन ग्रुप्स। जो खाना हम खाते हैं उसे हमने कितने भागों में बांटा, 3 पार्ट्स में। तो चलिए पढ़ते हैं अब उनके बारे में। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट बॉडी बिल्डिंग फूड, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड्स के बारे में। सम फूड सच एज मीट, पल्सेस, नट, मिल्क, एग्स एक्सेट्रा हेल्प अस टू ग्रो। खाना कौन सा, मीट, पल्सेस मतलब दाने, नट्स, दूध, अंडा, ये सब किसमें मदद करते हैं, हमारी ग्रो मतलब बढ़ने में।
दे मेक आर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग, ये हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। दीज फूड्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, और इस खाने को हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ऑलमंड्स आर एक्चुअली सीड नॉट नट्स। ऑलमंड मतलब बादाम। बादाम क्या है एक्चुअली में, वास्तव में बादाम सीड्स हैं, उन्हें सीड्स में गिना जाता है, जबकि हम उन्हें क्या सोचते हैं, वो क्या है, नट्स। नाउ एनर्जी गिविंग फूड, वो खाना जिससे हमें एनर्जी मिलती है। फूड सच एज चपाती, ब्रेड, बटर, राइस, पोटैटोज, शुगर एंड ऑयल गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। चपाती मतलब रोटी, रोटी, ब्रेड, मक्खन, चावल, आलू, चीनी और तेल, इनसे हमें मिलती है एनर्जी, किस लिए, काम को करने के लिए और खेलने के लिए। दीज फूड्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, तो इन फूड से जब हमें एनर्जी मिलती है तो हम इन्हें क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। नाउ वी विल लर्न अबाउट प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड कौन से होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड वो होते हैं जो बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक। फल और सब्जियों से क्या होता है, हम तंदुरुस्त रहते हैं और हम बीमारी से बचते हैं। दीज आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, और इन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज फूड वी मस्ट ड्रिंक 2 glasses of milk every day. खाने के साथ साथ हमें रोज 2 glass दूध पीना चाहिए। Our body also need water. We should drink plenty of water in a day. Water also helps in digesting food. दूध के साथ साथ हमारी body को water मतलब पानी की भी ज़रूरत होती है और हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी से क्या होता है, हमारी पाचन क्रिया बिल्कुल सही रहती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, टोमेटो एंड ककुम्बर आर फ्रूट्स, खीरा और टमाटर क्या है, फ्रूट्स है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वी मस्ट इंक्लूड द राइट अमाउंट ऑफ फूड फ्रॉम ईच ग्रुप इन आर मील, दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। मैंने आपको अभी 3 different groups के फूड्स के बारे में बताया, तो हमें अपनी डाइट में तीनों फूड में से थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना खाना चाहिए, जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। नाउ वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस, वेजिटेरियंस क्या होते हैं और नॉन वेजिटेरियंस क्या होते हैं, चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। Some people eat only plant foods like vegetable, fruits, pulses, rice, bread and milk product. They are known as vegetarians. Vegetarians को हम कहते हैं शाकाहारी। वो लोग जो हरे पत्तेदार सब्जियाँ, फल, दूध, राइस मतलब चावल, दालें खाते हैं, उन्हें हम vegetarians कहते हैं। और non-vegetarians वो होते हैं जो लोग क्या खाते हैं, एनिमल फूड खाते हैं, जैसे मीट, एग, फिश, और ये लोग साथ साथ प्लांट फूड भी खाते हैं, मतलब ये मांस, मछली, अंडा भी खाते हैं और हरी सब्जियां भी खाते हैं, इन्हें हम नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं। नाउ टाइम टू टेस्ट योर स्किल, राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड हेल्प अस इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरह का खाना अलग अलग तरह से हमारी मदद करता है। यस दिस इज ट्रू, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू। नंबर 2, वी डू नॉट नीड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, हमें काम करने के लिए और खेलने के लिए ताकत नहीं चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। नंबर 3 And number 4, you will do by yourself. Now, I will tell you some healthy eating habits. So, chaliye, padhte hain unke baare mein. It is a good habit to eat our meals and proper time. Ye bahut achhi aadat hai, apna khana samay par khana.
ईट मील्स एट प्रॉपर टाइम, हमें ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट के टाइम पे करना चाहिए, लंच लंच के टाइम पे और डिनर डिनर के टाइम पे। ईट स्लोली एंड च्यू योर फूड वेल, अच्छे से चबा चबा कर अपना खाना खाइए, ये नहीं जल्दी जल्दी बड़ी बड़ी बाइट्स खा ली, नहीं स्मॉल स्मॉल बाइट्स अच्छे से चबा कर खानी चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, ऑल्सो राइंस योर माउथ एंड क्लीन योर टीथ आफ्टर ईच मील, खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले हमें अपने हाथ धोने चाहिए और खाना खाने के बाद हमें अपना मुंह साफ करना चाहिए, कैसे कुल्ला करके, और हमें ब्रश भी करना चाहिए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शुड बी वॉश्ड विद क्लीन वाटर बिफोर ईटिंग, सब्जियों और फलों को खाने से पहले अच्छे से धो लेना चाहिए। ईट ओनली फ्रेश फूड, स्टेल फूड कैन मेक यू सिक, हमेशा ताज़ा खाना खाइए, बासी खाना आपको बीमार बना सकता है। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड सोल्ड बाय वेंडर्स, दे कंटेन डस्ट एंड जर्म्स, बच्चों कभी भी हमें बिना ढका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। और आपने देखा है सड़क पर स्ट्रीट फूड, मतलब जो सड़क पर खाने की ठेलियाँ लगी हुई होती हैं, हमें वहाँ से खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनमें क्या होते हैं, डस्ट होती है और जर्म्स मतलब कीड़े होते हैं। डू नॉट ईट टू लिटिल फूड, इट विल मेक यू वीक एंड टायर्ड, आपको भरपूर मात्रा में खाना खाना चाहिए, ये नहीं कि आपने थोड़ा सा खाना खाया, अगर आप थोड़ा सा खाना खाएंगे तो क्या होगा, आप कमज़ोर हो जाएंगे और जल्दी थक जाएंगे। फिनिश एवरीथिंग फ्रॉम योर प्लेट, डू नॉट ड्रॉप ऑल अराउंड योर प्लेट, आपकी प्लेट में जितना खाना है उस सब को ख़त्म करिए, खाना झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। च्यू योर फूड वेल एज ईट स्लोली, अच्छे से चबा चबा कर धीरे धीरे अपना खाना खाइए। डू नॉट ईट जंक फूड्स लाइक चिप्स पिज़्ज़ास एंड बर्गर टू ऑफ्टन, जंक फूड्स आर टेस्टी बट अनहेल्दी, आप सबको बर्गर पिज़्ज़ा खाना अच्छा लगता है लेकिन हमें उन्हें नहीं खाना चाहिए, उनसे क्या होता है हम बीमार पड़ते हैं, वो खाने में तो टेस्टी होते हैं लेकिन हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। नेवर वेस्ट फूड, टेक स्मॉल हेल्पिंग्स एंड फिनिश द फूड, हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, आपको जितनी भूख है आप उतना खाना लीजिए लेकिन खाने को वेस्ट मत करिए। इफ़ अ लॉट ऑफ फूड इज लेफ्ट आफ्टर एन इवेंट, रिक्वेस्ट एल्डर टू डोनेट द फूड, कभी कभी क्या होता है हमारे घर में फंक्शन होता है और बहुत सा खाना बच जाता है, अगर ऐसा होता है कि खाना बच गया तो आप अपने घर के बड़ों को बोलिए कि उस खाने को क्या करें, डोनेट करें, कहीं दान कर दे, जिन लोगों को खाना नहीं मिलता उन्हें वो खाना दे दीजिए। नाउ टाइम टू गो इन फ्लैशबैक, वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो, खाना हमें किस लिए चाहिए, जीने और बढ़ने के लिए। बॉडी बिल्डिंग फूड्स बिल्ड आवर बोन्स एंड मसल्स, एनर्जी गिविंग फूड्स गिव्स यू एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, एनर्जी गिविंग फूड से हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटेक्टिव फूड हेल्प यू टू फाइट डिसीजेस, प्रोटेक्टेड फूड से हम क्या करते हैं, बीमारियों से लड़ सकते हैं, हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। बैलेंस्ड डाइट्स इंक्लूड ऑल द टाइप ऑफ फूड इन राइट अमाउंट इन योर मील। नाउ टाइम टू डू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ए, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पे टिक का निशान लगाइए। वी गेट मोस्ट ऑफ आर फूड फ्रॉम, हमें अपना खाना कहाँ से मिलता है, प्लांट्स एनिमल बोथ ए बी एंड नाइदर ए और नॉर बी, तो हमें हमारा खाना प्लांट्स और एनिमल दोनों से मिलता है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नंबर टू, फूड दैट गिव्स अस एनर्जी, हमें कौन सा फूड एनर्जी देता है, शुगर स्पाइसेस सॉल्ट या कैबेज, हमें एनर्जी मिलती है शुगर से। नंबर थ्री एंड नंबर फोर यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ
फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, सही वर्ड को चुनिए और फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। नंबर वन, फूड गिव्स अस डैश टू वर्क एंड प्ले। फूड क्या देता है हमें जिससे हम काम कर सकें और खेल सकें? फूड हमें देता है एनर्जी, तो हम यहाँ लिखेंगे energy, एनर्जी। नंबर टू, डैश इज एन एनर्जी गिविंग फूड। कौन सा एनर्जी गिविंग फूड है? वेजिटेबल्स या राइस? तो एनर्जी गिविंग फूड है वेजिटेबल्स, तो हम यहाँ लिखेंगे वेजिटेबल्स। नंबर थ्री, अ प्रॉपर मील विद फूड फ्रॉम एवरी ग्रुप इज कॉल्ड अ डैश डाइट। कौन सी डाइट कहते हैं जिसमें हर तरीके का खाना थोड़ा थोड़ा होता है, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस, BALANCET, बैलेंस। नेक्स्ट थ्री यू विल डू बाय योरसेल्फ। एक्सरसाइज सी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप। वो कह रहा है कि फूड को तीन डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा गया है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, दिस इज ट्रू, तो हम लिखेंगे TRUE, ट्रू। बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील वी शुड वॉश आर हैंड विथ सोप एंड वाटर। खाना खाने से पहले और बाद में हमें अपने हाथ धोने चाहिए। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू, TRUE, ट्रू। वी मस्ट ईट प्लेंटी ऑफ वाटर। हमें प्लेंटी भरपूर मात्रा में पानी को खाना चाहिए। नो, हमें क्या करना चाहिए? पानी को ड्रिंक करना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स। नंबर फोर एंड नंबर फाइव यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ एक्सरसाइज डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको उनके आंसर देने हैं। तो आप सब क्या करेंगे, यू हैव टू रीड योर चैप्टर वंस अगेन एंड एक्सरसाइज डी यू विल डू बाय योरसेल्फ। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।